हमारे मध्य हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ दीप प्रज्वलन करते हुए मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मुकेश जी, माननीय कृष्ण गोपाल जी, माननीय पन्नालाल जी, आदरणीय ब्रज किशोर कुटियाला जी से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करते हुए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। दीप मंत्र के लिए मधु जी। दीप ज्योति परम ज्योति दीप जो दीपो दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसको चरितार्थ किया संघ के अनुसांगिक संगठन सेवा भारती ने। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में जब समाज त्राही त्राही कर रहा था उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने कार्यकर्ता एवं सेवा भारती के कार्यकर्ता जगह जगह पर सेवा के लिए लोगों की मदद के लिए खड़े रहे। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना हो या उन लोगों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराना हो, भोजन या दाह संस्कार, हर जगह समाज में सेवा भारती के कार्यकर्ता उपलब्ध हुए। इस परिस्थिति से निकलने में भी सेवा भारती और अपने कार्यकर्ताओं ने उत्कृष्ट सहयोग किया है। आज इन्हीं सब कार्यों की कॉफ़ी टेबल बुक, एक इस पे पुस्तक और वीडियो जो छोटी फिल्म बनी है उसको लोकार्पण करने के लिए हम सभी इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय मुकेश गर्ग जी के स्वागत के लिए आदरणीय पन्नालाल जी, माननीय मुकेश गर्ग जी, आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, आप प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, आप आईटीसी कंपनी के लिए आशीर्वाद आटे की कई मिलें चलाते हैं, कैटरिंग का भी व्यवसाय आपने किया हुआ है, शिव भक्त हैं, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, हम आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय कृष्ण गोपाल जी, आप मूलतः उत्तर प्रदेश मथुरा से हैं, आपने मास्टर डिग्री एनवायरमेंटल साइंस एवं डॉक्टरेट डिग्री काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में आगरा यूनिवर्सिटी से की है। 1975 से विस्तारक और 1980 से आप प्रचारक निकले। पूर्व में काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक एवं असम के क्षेत्र प्रचारक रहे हैं। वर्तमान में 2012 से आप संघ के सहसर कार्यवाह हैं। हमारा परम सौभाग्य है, हम आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय पन्नालाल जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अतुल गंगवार जी को। आदरणीय पन्नालाल जी, आप उद्योगपति हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आप राष्ट्रीय सेवा भारती के माननीय अध्यक्ष हैं, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं।
आदरणीय ब्रज किशोर कुठियाला जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रमेश अग्रवाल जी को। आदरणीय रमेश अग्रवाल जी सेवा भारती दिल्ली के अध्यक्ष हैं। माननीय ब्रज किशोर कुठियाला जी, आप उच्च शिक्षा में विगत 50 वर्षों से कार्यरत हैं। IIMC दिल्ली में 20 वर्ष से कार्य किया कर रहे हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विद्यालय के 2 बार कुलपति रहे हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के आप चेयरमैन हैं। आप भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष हैं। फिल्म एवं टेलीविजन प्रशिक्षण में आपका विशेष योगदान है। हम आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय पन्नालाल जी से। आदरणीय पन्नालाल जी, मंच पर उपस्थित माननीय सह सहकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुकेश जी गर्ग, भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष ब्रजकिशोर कुठियाल जी एवं उपस्थित बंधु भगिनी, राष्ट्रीय सेवा भारती सेवा कार्य के लिए सदैव संकल्पित है और अपने प्रयासों से सेवा संस्थाओं मंच पर लाकर जागरण, सहयोग, प्रशिक्षण एवं अध्ययन के माध्यम से समस्त भारतवर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और स्वावलंबन के हजारों प्रकल्प चला रही है। देश में वंचित, पीड़ित एवं अभावग्रस्त बंधुओं को शिक्षित, सशक्त, सुदृढ़, समृद्ध से संस्कारित कर समाज व राष्ट्र निर्माण में जुटी हुई है। सेवा दिशा, सेवा साधना, सेवा कुंज जैसे साहित्य एवं सेवा गाथा वेबसाइट और समर्पण धारावाहिक के माध्यम से सेवा संबंधी कार्य जन जन तक पहुँचाकर सेवा के भावों को सुदृढ़ करती है। सेवा परमो धर्म केवल ध्येयवाक्य ही नहीं, मन मस्तिष्क में जुड़ा हुआ है। सेवा सहज, सरल, सहृदय, निश्चल व स्वार्थ भाव से ही सभी कार्यकर्ता इसको निष्पादित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र यही है कि संघ व समाज के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के लगभग 1 वर्ष के कालखंड में कैसे चुनौती को अवसर में बदला, ये आप जैसे शुभचिंतकों के समक्ष प्रस्तुत है। राष्ट्रीय सेवा भारती व संपूर्ण समाज का अदभ्य उत्साह एवं सहयोग, कार्यकर्ताओं के समर्पण की कथाएँ मार्मिक एवं देवतुल्य है। इनको समर्जित काफ़ी टेबल बुक के माध्यम से किया है। ये काफ़ी टेबल बुक 5 खंडों में विभाजित है। ये पुस्तक नहीं, वास्तव में एक कारवा है। किसी खंड में सेवा भारती के कार्यकर्ता राशन सामग्री बांटते मिलेंगे तो किसी खंड में मजदूरों के पैरों में मलहम लगाते हुए मिल जाएंगे। साथ ही पुस्तक में सेवा के जीवंत अनुभव भी हम सबको पढ़ने को मिलेंगे। किसी खंड में स्वयंसेवक दाह संस्कार कर रहे हैं तो कहीं रक्तदान से जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। पुस्तक के बढ़ते पन्नों के साथ सेवा गाथा बढ़ती जाएगी और कार्यकर्ताओं का समर्पण, उनके जीवन की आहुति, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्र सेविका समिति की बहनों का वीरांगना जैसे साहस एवं सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान का एहसास साहित्य रह जाएगा। ये पुस्तक माँ भारती के परम वैभव के साहस, सेवा व समर्पण की एक अद्वितीय झलक है। संवेदनशील भारत की गाथा पुस्तक एवं 100 दिन सेवा के चलचित्र का संकलनकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनके मुखारविंद से ही उनको सुनने के तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया जगत के बंधु, समाज के गणमान्य जन एवं व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। संवेदनशील भारत की सेवा गाथा, इस पुस्तक के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री प्रशांत पॉल जी को। आदरणीय प्रशांत पॉल जी, आप इंजीनियर हैं। आप अनेक मल्टीनेशनल टेलीकॉम और आईटी कंपनी में सलाहकार एवं काउंसिल में सलाहकार हैं, सलाहकार समिति के सदस्य हैं। लोकमत, तरुण भारत, विवेक, पांजन्य, ऑर्गेनाइजर आदि पत्रिकाओं में आप स्तंभ लिखते हैं। ये 15 दिन भारतीय ज्ञान का खजाना आदि पुस्तकों का आपने प्रकाशन किया है। आदरणीय प्रशांत पॉल जी,
नमस्कार, मंचा सिंह, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, माननीय मुकेश जी, माननीय पन्नालाल जी, डॉक्टर ब्रिज किशोर कुठियाला जी एवं सभागृह में उपस्थित सभी सम्माननीय श्रोतावर्ग, जब इस पुस्तक की कल्पना बनी किस प्रकार की एक पुस्तक लोगों के बीच आनी चाहिए, तो स्वाभाविकतः देश के सभी भागों से अनुभवों का संकलन प्रारंभ हुआ। और जब अनुभव पढ़ने लगे तब ये ध्यान में आया कि यह अद्भुत है, किस प्रकार समाज खड़ा होता है और किस प्रकार आसेतु हिमाचल, ये सारा जो देश है, इस देश में एक ही प्रकार की उदात्त भावना जागृत होती है। इस पुस्तक से और पुस्तक का संकलन करते समय आए हुए अनुभवों से ऐसी अनेक बातें सामने आती है कि अगर इस प्रकार के संकट सामने आते हैं तो यह देश एक राष्ट्रपुरुष के रूप में खड़ा होता है। और इसका जीता जागता प्रमाण अगर कोई है तो इस पुस्तक के सारे अनुभव है। इस पुस्तक को बनाने में अनेकों का सहयोग रहा, अनेकों के लेखों का संकलन हुआ, अनेकों के अनुभवों का संकलन हुआ। मैं सिर्फ कुछ नाम उसमें से पढ़ता हूँ, बाकी अनेक नाम ऐसे हैं जिनका उल्लेख यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अमोल दामले जी, रश्मि दाधीश जी, विजयलक्ष्मी सिंह, मंजू पांडे, रविंद्र जाजू, दाक्षी साहू, पल्लवी अन्वेकर, प्रशांत बाजपेयी, निहारिका सरवटे आदि। अब इस पुस्तक के बारे में मैं सिर्फ एक दो अनुभव बताना चाहूँगा ताकि ये ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से हमारा समाज इस आह्वान को सामने रखते हुए और खड़ा हुआ था। राजकोट में एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, GIDC कहलाता है, वो अजी वसाहत कहलाता है। वहाँ पर अपने संघ के स्वयंसेवक प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे और जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ वहाँ जो किट्स का वितरण उनको कर रहे थे। प्रशासन ने हेल्पलाइन जारी की थी, हेल्पलाइन में लोगों के फ़ोन आते थे, प्रशासन से, कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन आता था और संघ के स्वयंसेवक वहाँ वहाँ वो किट का वितरण करते थे। ऐसा रात को 8 बजे फ़ोन आया संघ कार्यालय में कि अजीब वसाहत में 2 ओडिशा के श्रमिक हैं, उन तक पहुँचानी है। स्वयंसेवक निकले, 2 के बजाय 4 किट साथ में लेकर निकले। वो 2 श्रमिक आइडेंटिफाई हुए, वहाँ पर किट दी। जब किट दे रहे थे तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था, उसने हाथ जोड़कर कहा कि आप इस प्रकार की सामग्री का वितरण कर रहे हैं? इन्होंने कहा हम संघ के स्वयंसेवक हैं और वितरण कर रहे हैं। उनका सामने एक मकान है, वहाँ पर कृपया आप कुछ सामग्री अगर आपके पास होगी तो दे सकते हैं क्या? इन्होंने कहा बड़े आनंद से अवश्य। वो गए वहाँ पर, जर्जर मकान था, कुंडी खटखटाई, एक वृद्ध महिला 80 वर्ष की धीरे धीरे सामने आई, उसके पीछे 10 वर्ष का बालक। इन्होंने कहा कि मकान में और कोई है क्या? उसने कहा नहीं, इसके माँ पिता, मतलब मेरे लड़का और बहू, अभी 1.5 वर्ष पहले एक्सीडेंट में चल बसे, मैं ही इसका पालन पोषण कर रही हूँ। 4 घर में बर्तन वगैरह मांझकर सारा काम करके इसका भरण पालन करती हूँ। दुर्भाग्य से कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण कुछ नहीं बचा, तो पिछले 3 दिन से मात्र पानी पिला करके, उबाल करके इसको पाल रही हूँ। वो कहता है कि अब कब मिलेगा? मैं कहती हूँ ईश्वर आएगा, और आप तो ईश्वर के रूप में आ गए। इन्होंने, अपने कार्यकर्ताओं ने उनको, उस महिला को दोनों किट दी। महिला ने एक किट रखी और उसने कहा नहीं, आप एक लेकर जाइए। कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया, नहीं हमारे पास 2 किट है और आप रखिए, आपको आवश्यकता लगेगी। उसने कहा नहीं नहीं, और जिनको आवश्यकता होगी उनको आप दीजिए, जैसे आप ईश्वर जैसे आए वैसे आवश्यकता होगी तो फिर से ईश्वर आ जाएगा। ये भारत है, इस प्रकार की उदात्त भावना ये पूरे सारे देश के कोने कोने में दिखी। ऐसे कई उदाहरण है, मैं एक और छोटा सा, एक तो छोटे से बिल्कुल उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। ये श्रमिकों, जब श्रमिक वापस आए तो सबने कहा कि अब तो देश में बहुत ज्यादा गंभीर मामला खड़ा होगा, संतोष निर्माण होगा, ये सारे श्रमिक चलकर आ रहे हैं, 30, 40, 50, 60 लाख श्रमिक आ रहे हैं। तो सब ने लिखा, बाहर की मीडिया ने लिखा कि अब तो देश में बहुत कठिन समय आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी भी श्रमिक ने किसी को ना गाली दी, ना पत्थर उठाए,
ना लूटपाट की। सारे रास्ते में इन श्रमिकों को सब लोगों ने, सारे समाज ने उठकर इनकी सेवा की और वो दृश्य अद्भुत थे। एक पुलिस का सादा कांस्टेबल जो थक्के आ रहा, एक श्रमिक पांव में छाले हो गए, उस छालों को अपने हाथ से मलम लगा रहा है। ये चित्र है, पुलिस का जो चेहरा हमारे सामने आता है उससे बिल्कुल अलग छवि है ये। ये इस प्रकार के अनेक अनुभव वहां पर आते हैं और उसी के साथ आती है कृतज्ञता की अद्भुत भावना। जो श्रमिक अपने अपने गांव में गए उन्हीं के बारे में दो छोटे छोटे किस्से। एक तो जो ऑटो से जो वाहन मिला, जैसे मिला नहीं तो पैदल लोग चले वहां पर, तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपराइच एक गांव है छोटा सा, उस गांव के सुभाष पांडे ये परिवार के साथ ऑटो से लॉकडाउन लगने के बाद अप्रैल में अपने घर पे गए। सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मुंबई से वो गए वहां पर, वापस आए मुंबई के लिए निकले। इंदौर में जब वो आए, इंदौर बाईपास पे इंदौर का बोर्ड देखा, वहां ऑटो रोकी। उपमा सिंह उनकी, उपमा पांडे उनकी जो पत्नी थी वो वहां रुकी। उसने अपने हाथ का, वहां भोजन करने वाले थे, भोजन के लिए रुके, अपने पास का जो कोर था, पहला कोर उस इंदौर लिखे हुए बोर्ड के सामने रखा और कहा, पहला भोग इस इंदौर को जिसने विपरीत समय में, कठिन समय में मेरे और मेरे परिवार को, मेरे बाल बच्चों को न सिर्फ भोजन दिया, पानी दिया, दवाई दी, सब कुछ दिया उस इंदौर के लिए। ये भारत है। ये जो श्रमिक वापस गए, बिहार के पूर्णिया जिले में 24 गांव हैं, 24 शालाएं हैं, इनको क्वारंटाइन करने के लिए शाला में रखा गया। स्वाभाविक है उस समय क्वारंटाइन दो दो हफ्ते के लिए शालाओं में रखते थे, गांव में घरों में अंदर प्रवेश नहीं था। इन्होंने कहा क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा नहीं, शाला को हम ठीक करेंगे। पूर्णिया जिले की 24 शालाएं इन्होंने चकाचक कर दी, श्रमदान से की। पश्चिम चंपारण जिला बिहार का ही, नेपाल से लगा हुआ, वहां पर वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर में लक्ष्मी नगर सहकारी माध्यमिक विद्यालय, वो विद्यालय में भी ऐसे श्रमिक रुके। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो शाला को ठीक करेंगे। पहले दूसरे दिन जब सरकार के प्रतिनिधि वहां पर आए, उनका बस सामान दे दीजिए। सारे लोग जो श्रमिक थे वे भवन निर्माण में थे, रंग पुताई में थे, तो प्रशासन ने उनको सारा रंग पुताई का सारा सामान दिया। 10-12 दिनों में उन्होंने शालाओं को ऐसा मस्त बेहतरीन बना दिया कि किसी भी प्राइवेट शाला की टक्कर में वो सरकारी शाला खड़ी हो गई। जब कलेक्टर महोदय खुद वहां पर आए प्रशंसा करने के लिए, उन्होंने उनको इसका मुआवजा दिया, देने की पेशकश की कि आपने मेहनत की है, मेहनत आना है सरकार की ओर से, आपको ये मेहनत आना है। श्रमिकों ने नहीं लिया। कलेक्टर के शब्द है, कोरोना के ऐसे विपरीत और विषम परिस्थिति में जब सबको आर्थिक समस्या आ रही है, उस समय ये श्रमिक इसलिए मना कर रहे कि ये तो मेरे गांव की शाला है, मैंने किया तो क्या बड़ा किया, इसलिए हम पारिश्रमिक नहीं लेंगे। ये भारत है। और ऐसे ही भारत की अनगिनत गाथाएं इस पुस्तक में समाविष्ट है। एक पूरा चित्र सामने आता है कि कोरोना की जो पहली लहर में किस प्रकार से समाज, सारा समाज, संघ के स्वयंसेवक और उसके कारण चेतना निर्माण होने के कारण सारा समाज, सारी संस्थाएं सामने आती है और इस देश में एक नया मजबूत भारत का चित्र खड़ा करती है, उसकी गाथा यानी संवेदनशील भारत की सेवा गाथा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रशांत जी, जो लिखता है और जो देखता है, जो महसूस करता है, उसको समय अधिक चाहिए होता है, ये बिल्कुल सच है। क्षमा चाहेंगे, हम लोगों के पास समय की थोड़ी दिक्कत है, वरना तो सभी लोग सुनना चाहते हैं आपको। धन्यवाद। कॉफ़ी टेबल बुक के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राजीव अग्रवाल जी को। वयंग राष्ट्रांग विभूता कॉफ़ी टेबल बुक। हमारे मध्य सभागार में कई गणमान्य उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहूँगी। आदरणीय कुलभूषण आहूजा जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक हैं। आहूजा शॉल के नाम से कई आपके शोरूम्स दिल्ली में हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। माननीय पराग जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख हैं, केंद्र बेंगलोर है, हम आपका स्वागत करते हैं। माननीय रामलाल जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं, आपका केंद्र मुंबई है, हम आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं।
माननीय सुधीर जी, आप राष्ट्रीय सेवा भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं, हम आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राजीव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री मुकेश गर्ग जी, राष्ट्रीय सेवा भारती के अध्यक्ष श्री पन्नालाल जी, भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष श्री बीके कोठियाला जी, इस हॉल में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना ने जहाँ मानवीय जीवन चक्र को थाम कर रख दिया था, वहीं मानवीय जीवन शैली और दिनचर्या की परिभाषा ही बदल के रख दी थी। इस महामारी ने मानव को बेबस लाचार सा कर दिया था। हर तरफ भय, असुरक्षा, अनहोनी, अवसाद के गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसे में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें तो अपना काम कर ही रही थीं, बट राष्ट्र और मानव सेवा के लिए समर्पित देश में आई किसी भी प्रकार की विपत्ति, आपदा के समय सहायता में अग्रणी भूमिका निभाने को अपना धर्म समझने वाले विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय सेवा भारती भला इस आपदा के समय अपने सेवाभावी चरित धर्म से कैसे दूर रह सकते थे। संगठनात्मक ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय सेवा भारती एवं स्वयंसेवकों ने मानव सेवा को माधव सेवा मानकर सेवा यज्ञ में अपनी आहुति देने से कोई कसर नहीं छोड़ी और सेवा के और भी अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए गए। इन्हीं सेवा कार्यों को कॉफी टेबल बुक के रूप में, व्यंग राष्ट्रांगभूता के रूप में हम लोगों ने सहेजने की कोशिश की है। कंसेप्ट ये था कि हम एक चित्रावली की तरह एक चित्रों से को प्रदर्शित करती हुई पुस्तक को हम प्रेजेंट करें। इस पुस्तक में 128 पेज में हमने 44 हमारे जितने भी अधिकतर प्रांत हैं उनके विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों को संयोजित करने की कोशिश की है। ये पुस्तक दो प्रकार से हमने बनाई है, एक हार्ड कवर में है और एक पेपर बैक में है। इस पुस्तक को हमने सेवा के कार्यों की दृष्टि से 5 खंडों में बांटा हुआ है। 5 खंड जैसे सुधा तृप्ति, स्वास्थ्य लाभ, पुनर्स्थापना, धर्म कर्म प्रतिष्ठा और समाज का पुरुषार्थ। 5 खंडों में हमने 9 चैप्टर लिए हैं। साथ ही इसमें हमने सेवा के वीडियो लगाए हैं, 12 वीडियो हैं जिनके QR कोड वहाँ पर लगे हुए हैं। उन QR कोड को हम स्कैन कर अपने मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। समाज जीवन के विशिष्ट लोगों को निशुल्क प्रति देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए हम सेवा भारती सभी के बड़े आभारी हैं, खासतौर से श्री पन्नालाल जी, श्री पराग जी के बहुत बहुत आभारी हैं। कार्य थोड़ा कठिन था क्योंकि इतना ज़्यादा कार्य हुआ था, 5000 से ज़्यादा फोटो कंटेंट हमारे पास था, जिसको हमें मात्र एक प्रेजेंटेबल 128-130 पेजों में इकट्ठा करना था, प्रदर्शित करना था और सभी सेवा कार्यों को कवर करना था। इसके लिए माननीय सहसाकारवा माननीय मनमोहन वैद्य जी और माननीय रामलाल जी के एवं सेवा भारती के अध्यक्ष श्री पन्नालाल जी के मार्गदर्शन में एक हमारी टीम बनी, जिसमें हमारी नियमित बैठकें होती थीं। उन बैठकों में पुस्तक की रूपरेखा क्या रखी जाएगी, उसका संरचना कैसी होगी वो डिसाइड किया गया और फोटो और वीडियो जो एक बड़ा ही बड़ा काम था कि कैसे उसमें से हम 400 फोटो या 300 फोटो ढूंढें, उसके लिए लगातार माननीय मनमोहन वैद्य जी, माननीय रामलाल जी का हमें मार्गदर्शन मिलता रहा। 5-5, 6-6 घंटे की मीटिंग्स होती रहीं तब हम उस काम को सफलतापूर्वक कर पाए। इसमें हिंदी का कंटेंट बहन अनीता जी और इंग्लिश का कंटेंट बहन कस्तूबी जी के जिम्मे रहा। फोटो का कार्य विजय कांति जी के जिम्मे रहा। साथ ही सेवा भारती के से श्री पराग जी, श्री पन्नालाल जी, श्री डंडवाल ऋषि डंडवाल जी और सुधीर जी का, एम प्रचार विभाग से श्री अनिल जी का विशेष सहयोग मिला हमें,
जिसके हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने नियमित बैठकों में हमारा मार्गदर्शन दिया एवं प्रांतों से सामग्री उपलब्ध कराई, जो एक बड़ी चुनौती जैसा था। हम साथी में प्रफुल्ल केतकर जी, कुलदीप जी, चिराग जी, इन सब के आभारी हैं जिन्होंने बहुत अपना बहुमूल्य समय और सहयोग देके इस पुस्तक में हमें सहयोग प्रदान किया। साथ ही हम प्रभात जी, प्रभात प्रकाशन से उनका भी आभारी हैं कि उन्होंने इसका प्रकाशन किया। साथ ही मैं सभी संघ एवं सेवा भारती के माननीय पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ कि इस काम में एक मेरे को भी मौका दिया गया कि मैं कुछ कर पाऊँ इस काम में। हम एक और अपनी टीम है, दीपा हैं, निरंजन हैं, मंगलेश हैं, जो 24 घंटे लगे रहे कोरोना काल में भी, कोरोना होने के बाद भी फ़ोन पर संपर्क में रहे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर बहन अनीता जी हैं, मैं उनसे माननीय विजय कांत्री जी पहुँच रहे हैं, उनसे बात हुई है। माननीय रामलाल जी हैं यहाँ पर, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम दोनों पुस्तकों का विमोचन करेंगे। पहले संवेदनशील भारत की सेवा गाथा, इस पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रशांत पॉल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे सभी अतिथि इस पुस्तकों को खोलेंगे और इसका विमोचन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। इसके बाद हम अपनी वयंग राष्ट्रांग भूता कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण करेंगे। इसके लिए मैं माननीय रामलाल जी को मंच पर आने के लिए आग्रह करती हूँ। आदरणीय पन्नालाल जी उसको खोल के सबको दे देंगे। ये एक पुस्तक ही नहीं, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात करके जो किए हुए कार्य हैं उसकी जानकारी और प्रेरणा लेने के लिए इन पुस्तकों का निर्माण हुआ है। समय बीत जाता है लेकिन ये चीज़ें याद रहती हैं कि किस प्रकार से स्वयंसेवकों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज के लिए सेवा कार्य किया। संवेदनशील भारत की सेवा गाथा, ये पुस्तक बाहर बिक्री के लिए उपलब्ध है। वैसे इसका मूल्य 135 रुपये है लेकिन आज 100 रुपये में बाहर उपलब्ध है, आप जाते समय इसे वहाँ से ले सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान मुकेश गर्ग जी को मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मुकेश गर्ग जी,
मेरा परिचय तो बिल्कुल दिया है। कृष्ण गोपाल जी से मैं बड़े आदर से ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो प्रेरणा दी, हम उसकी तरफ चलने की कोशिश करेंगे। मंच पे विराजमान सभी जो भी उपस्थित हैं और आप लोग जो भी हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक ही शब्द कहूँगा कि बहुत पहले एक वाक्य कहा गया था कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। इस सब के पीछे जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, कुलभूषण जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं उनकी प्रेरणा को अपने लिए मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्य में लगाया। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मुकेश जी। अब मैं, जिनका हम सभी को इंतजार है, अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से अनुरोध करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करें, जिनके मार्गदर्शन में संघ के सभी स्वयंसेवक प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी। मंच पर विराजमान श्रीमान अध्यक्ष महोदय माननीय मुकेश जी गर्ग, श्रीमान कुलपति महोदय ब्रजकिशोर जी कुठियाला, श्रीमान पन्नालाल जी भंसाली और इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, बहनों, दो पुस्तकों का विमोचन आज इस कार्यक्रम में संपन्न हुआ है। एक पुस्तक है वयम राष्ट्रांग होता और दूसरी पुस्तक है जो कोरोना काल में सेवा के कार्य हुए उसको लेकर के संवेदनशील भारत और सेवा के कार्य आदि, ऐसा दो ग्रंथ आज हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोनों ग्रंथों की जो पृष्ठभूमि है वो तो कोरोना की त्रासदी है, जिसको कि सारे विश्व ने पिछले लगभग पौने दो वर्षों में प्रत्यक्ष देखा है। वर्तमान युग में जो समाज है उसने पहली बार अपने जीवन काल में ऐसी मानवीय त्रासदी को देखा, अनुभव किया और स्वयं भुगता, जिसमें कि विज्ञान के आधुनिकतम यंत्र, उपकरण, औषधि, खोज, उससे युक्त मानव कहीं न कहीं पराजित हो गया। मनुष्य के पास संपदा भी थी, मनुष्य के पास अनेक प्रकार की नए नए शोध के लिए प्रयोगशालाएं भी थी, बड़ा विलक्षण मस्तिष्क भी था, लेकिन कहीं न कहीं वो हतप्रभ था, निराश भी था और कुछ भी न कर पाने के कारण असमंजस में था। धरती का सबसे जो शक्तिशाली राष्ट्र कहा जाता है अमेरिका, या उसके ही जैसे अन्य विकसित राष्ट्र है जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, ये सभी राष्ट्र इस त्रासदी के कारण से परेशान हो गए। ऐसी महामारी तेजी के साथ फैली और सारे विश्व में व्याप्त हो गई। अनेक देश अपने आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते, छिपा लेते हैं, अलग बात है, लेकिन कम ज्यादा इस संकट को संपूर्ण विश्व ने प्रत्यक्ष अपने यहां देखा। लोगों के मरते देर नहीं लगती थी,
स्वस्थ दिखने वाले नौजवान तरुण लोग 35-40 वर्ष की आयु के 2-3-4 दिन में चले जाते थे। सभी नगर ग्रामीण क्षेत्र कुछ भी अछूता नहीं बचा। सारे जो प्रयास थे ऐसा लगता था कि बेकार ही सिद्ध हो जाते हैं, बीमारी अपने आप आती है, अपने आप चली जाती है। फिर भी मनुष्य ने अपने अपने प्रयत्न तो किए। ऐसे संकट के समय में सरकार तो कुछ करती है, उसकी जिम्मेदारी है। चिकित्सालय अपना काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम करते हैं, और ऐसे समय में समाज की एक जिम्मेदारी बन जाती है, समाज अपना काम करता है। बहुत सारी घटनाएं इन दोनों ग्रंथों में हैं, उन घटनाओं को वर्णन करने में मैं नहीं जाता, आप पढ़ेंगे। अभी पोल साहब ने कुछ बातें बताई हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हमको मिलेंगी। मैं सारांश बताता हूं, ये सारी जो महामारी थी इसका एक स्वरूप विश्व में भी था, भारत में भी था। भारत ने जो अपना प्रदर्शन किया वो थोड़ा भिन्न है। मुझको एक भविष्यवाणी ध्यान में आती है जो आजादी के पहले चर्चिल महोदय ने की थी। दो प्रकार की भविष्यवाणी उन्होंने की थी। पहली भविष्यवाणी की थी देश स्वतंत्र होगा, ये बिखर जाएगा, टिकेगा नहीं, ये टूट जाएगा और इसके अनेक टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो गई, ये देश टूटा नहीं, ये देश एक बना रहा। इसका मतलब देश को जानते नहीं थे। देश को बिना जाने समझे वे घोषणा और भविष्यवाणी कर रहे थे। एक दूसरी भविष्यवाणी भी ऐसी ही थी जो पश्चिम के लोगों ने की थी, और यह की थी कि अब भारत देश जो है ये अपने देश की आज़ादी को न पढ़ा पाएगा, न लिखा पाएगा, न भोजन दे पाएगा, करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। वो भी गलत सिद्ध हो गई। आज देश 78% लिटरेसी वाला देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर बनाने वाला देश है, और कोई प्राणी इस देश में अन्न के अभाव में तो नहीं मरता। हाँ, व्यवस्था के अभाव में मरता है, अलग बात है। देश में अन्न की पैदावार अपनी आवश्यकता से 3-4 करोड़ टन ज्यादा होती है। ये दोनों भविष्यवाणियां गलत निकली। तीसरी भविष्यवाणी 16 मार्च 2020 को बरखा दत्त जी ने करी, और बरखा दत्त जी ने कहा कि देश में 4.5 करोड़ माइग्रेंट गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, बहुत गरीब है, 4.5 करोड़ लोग। ऐसे जो माइग्रेंट हैं गरीब भी है, ये इनके लिए लगता है कि अब तो मृत्यु अवश्यंभावी दिख रही है, ऐसा बरखा दत्त जी ने 16 मार्च 2020 को वाशिंगटन पोस्ट में लिखा। वो इस पुस्तक में इसका उल्लेख है। अगर 4.5 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो माइग्रेंट है, गरीब है बहुत, इसको बचने के क्या संभावना है, बहुत कठिन है। मित्रों, 50 लोगों की भी खबर ऐसी नहीं आ रही कि जो माइग्रेंट लेबर थे और गरीबी के कारण भूख से मर गए, ये नहीं आया। हो सकता है कि थकान के कारण से, कोई कठिनाई बीमारी के कारण से, कोई दुर्घटना के कारण से मर गए, ऐसा तो हो सकता है। यह भविष्यवाणी भी गलत सिद्ध हुई। इसका मतलब यह है कि जो लोग भविष्यवाणी करते हैं ये देश को नहीं समझते, ऊपर ऊपर से देखते हैं, बाकी और देशों को देखकर यहां की कल्पना करते हैं। हमारे देश के अंदर की कुछ ताकत है। हमारा देश जो ऊपर से भौतिक दृष्टि से दिखता है वो देश नहीं है, देश के अंदर कुछ है। भारत जो है ये दिखता है उतना नहीं है, भारत एक अंदर है। ये भारत भावनाओं का नाम है, भारत अंतर संवेदनाओं का नाम है, भारत एक प्रेम की भाषा प्रकट करता है, भारत एक अध्यात्म का संदेश देता है, भारत दुनिया भर में सहयोग और सहकार सिखाता है, भारत भेद में अभेद की दृष्टि करता है। भारत वो है जो ऊपर दिखता नहीं, अंदर है। इस बात को ये लोग नहीं समझ पाते। त्रासदी तो आई, ये सच बात है, और ये एक पहली त्रासदी नहीं है।
अनेक त्रासदी आती है, किलारी में भूकंप हो गया, वो भुज में भूकंप हो गया, केदारनाथ की विपत्ति आ गई, ऊपर उत्तरकाशी में भूकंप हो गया, तमिलनाडु में चक्रवात आ गया, आंध्र में तूफान आ गया, कहीं अचानक भारी बाढ़ आ गई, आती है त्रासदी, तो आती है, छोटी छोटी सी आती है, 10-20 लाख 50 लाख लोग प्रभावित हो गए, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग प्रभावित, इस बार तो सब प्रभावित हो रहे थे, बड़ी त्रासदी थी। बंधुओं, जो खास बात जो है, असली जो संदेश है इस पूरी त्रासदी की घटनाक्रम का, वो ठीक है वो दवाई कम पड़ गई, कहीं ऑक्सीजन कम पड़ी, कहीं बेड कम पड़े, ये ठीक बात है कि लोगों की मृत्यु हो गई, एकदम ज्यादा मृत्यु हो गई, सब ठीक है, लेकिन देश कितनी जल्दी खड़ा होता है, देश के लोगों के अंदर कौन सी भावना है जो उनको दौड़ करके आगे आने का संदेश देती है, ये मुख्य बात है। कौन सी भावना है जो उनको घर के अंदर बैठने नहीं देती। एक दिन मेरे पास टेलीफोन आया मथुरा से कि यहाँ बहुत से लोग पैदल पैदल आ रहे हैं, वो बिल्कुल लॉकडाउन हुआ था थोड़े दिन के बाद ही, शायद अप्रैल का महीना था, हजारों लोग पैदल 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 मथुरा की सीमा के अंदर आ रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे थे, पैदल जा रहे थे, वहाँ के लोगों ने जगह जगह भोजन के स्टॉल लगा रखे थे, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार भोजन बना के लाते थे। एक फोन मेरे पास से आया कि भाई साहब वो ऐसा है कि लोगों के पैर में चप्पल नहीं है, 5-7 हज़ार चप्पल एक भिजवा सकते हो तो तुरंत भिजवा दीजिए। मैंने एक्शन शू वाले हमारे सुभाष जी, उनको फ़ोन किया, सुभाष जी कुछ चप्पल हो सकता है? हाँ हाँ हो सकता है, तुरंत उन्होंने अपने फैक्ट्री तो बंद चल रही थी कोरोना के का, फिर भी वहाँ के जो स्टोर कीपर है उनको फ़ोन किया, मैनेजर को फ़ोन किया, वहाँ है चप्पल, तुरंत 6 हज़ार जोड़ी चप्पल वो ट्रक में लाद करके भेज दिए, एकदम उन्होंने लाइन लगा दिया, अपने नंबर का चप्पल पहनिए, जाइए भोजन का पैकेट लेते जाइए साथ साथ। अगले दिन फिर 6 हज़ार चप्पल भेज दिया उन्होंने, 4-5 दिन बाद 6-7 हज़ार चप्पल उन्होंने प्रयाग भेज दिया, वहां वनवासी क्षेत्र के लोग आ रहे थे, लोगों को आश्चर्य था, चप्पल पहनने वालों को भी आश्चर्य था, ये खाना का पैकेट भी देते, पानी की बोतल भी देते और पहनने को चप्पल भी देते, कोई सा चप्पल पहन करके चले जाओ। जैसे पोल जी कह रहे थे ना, ये भारत है, ये देखो ये भारत है, छोटा बालक है उसके लिए 4 नंबर की चप्पल भी है, उसकी माँ है उसके लिए 6 नंबर की चप्पल है, उसके पिता उसके लिए 8 नंबर की चप्पल भी है, पैसा नहीं लेते, भोजन का पैकेट भी देते हैं, हाथ जोड़ करके विदा करते हैं, तब तक बसें आने लगे, अब बस बैठ के जाओ और 2 पैकेट और ले जाओ, तुमको देवरिया जाना है, तुमको गोरखपुर जाना है, तुमको बलिया जाना है, ले जाओ। नमकीन पूरी बनवा रहे, उसमें अजवाइन डाल रहे, उसमें थोड़ा सा अचार रख रहे, थोड़ा गुड़ रख रहे, सब्जी खराब हो जाएगी, सब्जी अभी खा लेना, कल ये पूरी खा लेना। बंधु, ये जो प्रेम है, ये जो ममता है, आत्मीयता है, इसका नाम भारत है, ये केवल भारत में ही है, ध्यान रखना। उदाहरण तो ऐसे हजारों हैं, जो सामर्थ्यवान था वो घर के बाहर आ गया, कितने गुरुद्वारों ने लंगर खोल दिए, ऑक्सीजन के गैस के लंगर खोल दिए, ऑक्सीजन गैस मिलती है ले जाओ, गुरुद्वारे वाले गैस के सिलेंडर भरवा भरवा करके दे रहे थे, हमारे जो एम्स के बाहर विश्राम सदन है, उन्होंने सैकड़ों गैस के सिलेंडर मंगा लिए, आप ले जाइए खाली करके दे जाइए, ले जाइए खाली करके दे जाइए, पैसा नहीं लेते। अन्य क्षेत्र वालों ने किट्स हजारों की संख्या में बनवा दिए, अक्षय पात्र वाले जो है उन्होंने हजारों नहीं लाखों किट्स बनवा दिए, मेरे पास फोन आते थे उनके अक्षय पात्र वालों के, भाई साहब 20,000 किट्स कहाँ भिजवाने बताइए। लोगों ने गंगा के किनारे किनारे लोगों के लिस्ट बनाना शुरू किया, हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़ मुक्तेश्वर, कर्णवास, आपका सोरों, ब्रह्म घाट जो है वो ब्रह्म बिठूर, प्रयाग, काशी, जो मल्ला है नाव चलाता है, वो फूल बेचने वाली है, वो दिया बत्ती बेचती है, वो है, वो चाय बेचता था घाट पर, कोई आता ही नहीं, कहाँ से इसकी रोजी चलेगी। तो गंगा समग्र के लोगों ने जगह जगह दसियों हजार किट्स बनवा करके बंटवा दिए, 5 किलो आटा है, 4 किलो दाल है, 2 किलो चीनी है, इसमें चाय की पत्ती 1 किलो है, बच्चों के लिए सूखा दूध 2 किलो रखा है, 1 किलो 2 किलो सरसों का तेल रखा, किट्स बनवा,
दसियों हजार नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सूखा भोजन किट्स बांटने लगे। लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने भोजन के पैकेट, कौन सा मठ कौन सा मंदिर था जो नहीं बांट रहा था। केरल की अम्मा है वो बंटवा रही थी, रामकृष्ण मिशन के लोग वहां बंटवा रहे, सारे गुरुद्वारे यहां बंटवा रहे थे। कोई धार्मिक संस्थान, कोई सामाजिक संस्था घर नहीं बैठी थी, सारी सावधानी बरतते हुए समाज में कोई भूखा ना सो जाए। ये जो भावना है समाज में कोई भूखा ना सो जाए, ये कहां से आई? ये हमारे देश का सनातन विचार, सनातन दर्शन है। और ये कहानी तो हजारों हो जाएंगी, कहानी के कंटेंट में जाओ, कहानी के अंदर आत्मा में जाओ। सारी जो त्रासदी है, ये सारी समस्या है, सारी समस्या को लड़ने के पीछे मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के अंदर एक भाव है, उस भाव के पीछे एक दर्शन है, उस दर्शन का नाम है अध्यात्म। उस अध्यात्म की चाबी, अध्यात्म की पूंजी को लेकर के हम लड़ाई लड़ते हैं। और जो संवेदना, जो करुणा, जो प्रेम, जो ममता, जो आत्मीयता, जो समर्पण, श्रद्धा और निष्ठा हमारे पास है, वो परिभाषा पश्चिमी जगत के पास है ही नहीं। क्यों? पश्चिमी जगत ने माना ही नहीं कि परमात्मा किसी मनुष्य के अंदर होता है। यह मौलिक अंतर है। भारतीय धरती ये कहती है मनुष्य के अंदर परमात्मा है, वो परमात्मा सभी मनुष्यों के अंदर है, वो परमात्मा सभी जीवों के अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां, जो ईश्वर मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, तत्त्वमसि वही तुम्हारे अंदर है। ये दर्शन हमारी धरती का है। दुनिया के लोगों ने कहा परमात्मा साथ में आसमान के ऊपर है, धरती पर नीचे नहीं आता। हमने कहा नहीं, परमात्मा सबके अंदर है और बराबर है। परमात्मा को खोजने, परमात्मा को ढूंढने, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कष्ट में है, जो दुख में है, जो विपत्ति में है, बस परमात्मा तुम्हारी परीक्षा लेता है। बंधुओं, ये नया दर्शन है जो हमारे भारत का है, ये दुनिया के लिए नया लगता है। हमारा दर्शन हजारों वर्ष का सनातन है। और इसलिए मनुष्य दूसरे की सेवा करके आनंदित होता है। भारत में दूसरे की सेवा करके अपने को धन्य मानता है, दूसरे की सेवा करके अपने अंदर के रीतेपन के खालीपन को भर लेता है। हम सेवा करते हैं दूसरे के लिए नहीं करते, हम सेवा करते हैं अपने आनंद के लिए करते हैं। ये मौलिक दर्शन है इस देश का। दूसरे की सेवा करके आनंदित होते हैं हम, दूसरे भूखे व्यक्ति को खाना खिला करके प्रसन्न होते हैं, किसी गरीब की दवाई दे करके हम प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। ये दर्शन दुनिया में है ही नहीं। और एक बड़ा धनपति जब स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा अमेरिका में, और वर्णन करने लगा मेरे वहां फैक्ट्री वहां ये विवेकानंद ने कहा है तो हम क्या करें इसका, अमेरिका के उन गरीब लोगों को क्या लेना देना तुम्हारी संपदा से। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, पूछा क्या मतलब। तो विवेकानंद ने कहा तुमने इतनी संपदा अर्जित की है लेकिन तुमने अमेरिका के गरीब लोगों के लिए क्या किया। यहां गरीब महिलाओं के लिए अस्पताल की आवश्यकता थी, तुमने शुरू किए। यहां गरीब लोगों के लिए विद्यालय की आवश्यकता थी, तुमने प्रारंभ किए। यहां गरीब लोग भोजन के अभाव में दम तोड़ देते, सड़कों पर तुमको लज्जा नहीं आती। रॉकफेलर नाम का जो बड़ा धनपति था उसको ऐसा डांटने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा इसकी उसको कल्पना ही नहीं थी। रॉकफेलर बिना नमस्ते करे उठ करके चला गया। फिर आता है कुछ महीने के बाद, स्वामी जी मैं फिर आया हूं आपके पास, आइए बैठिए, क्या बात है। जो आपने उस दिन मेरे को कहा था, मैंने देखिए वहां विद्यालय, वहां हॉस्टल, वहां ये हॉस्पिटल, ऐसा मैंने शुरू किया है, अब तो आप मेरे को धन्यवाद दीजिए। स्वामी जी ने कहा मैं धन्यवाद दूं तुमको या तुम मेरे को धन्यवाद देने हो? आप मेरे को धन्यवाद दो भाई, ये तुम्हारे अंदर प्रेरणा आई, इंस्पिरेशन आया, ये ड्यू टू मी,
मेरे कारण से फिर बेचारा शर्मिंदा हो गया। दुनिया को बोध कराने का दायित्व तो हमारा है, ये इस धरती का दायित्व तो है। तुम सेवा करते हो किसी की तो उपकार नहीं करते, हम सेवा करते हैं किसी की तो किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, अपने आनंद के लिए करते हैं। एक बड़ा सुंदर और संवाद है, वो संवाद है याज्ञवल्क का उनकी पत्नी का। उनकी दो पत्नियां मैत्रेयी और गार्गिनी है। तो उनकी एक पत्नी है, तो याज्ञवल्क जंगल को जा रहे, कात्यायनी, तो जो जंगल को जा रहे हैं तो याज्ञवल्क ने दोनों को संपत्ति बांट दी। हम तो जंगल जा रहे हैं, तुम दोनों को हम संपत्ति दे रहे हैं। तो कात्यायनी बोलती है हम क्या करेंगे संपत्ति का, ऐसा विवाद दोनों का चलता है, दोनों का संवाद चलता है। तो ये मैत्रेयी है कात्यायनी है, दोनों का संवाद याज्ञवल्क, बहुत सुंदर संवाद है। तो ये संवाद पत्नी पूछती है ये बताओ कि संपदा से हमको आनंद मिलेगा, संपदा से हमको अमरत्व मिल जाएगा, या गवल के तो नहीं मिलेगा। ये संवाद लंबा चलता है। एक प्रश्न में या गवल के कहते हैं तू ध्यान रख, कोई माँ अपने बेटे को प्रेम करती है तो बेटे के लिए नहीं करती। आश्चर्य हो गया उसकी पत्नी को, ऐसा कैसे, हाँ कान खोल के सुन ले समझ ले, तू पत्नी पति को प्रेम करती है पति के लिए नहीं करती, वो अपने लिए करती है, अपने आनंद के लिए करती है, ध्यान रख। आश्चर्य, हाँ हाँ सच है, मैं बता रहा हूं सच है मित्रों, ये शाश्वत सत्य है जो उपनिषद का है। हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके लिए नहीं करते, अपने आनंद के लिए करते हैं। हमको सुख मिलता है, हमको संतोष मिलता है। भारत का ये दर्शन ये मौलिक है। और जब हम दूसरे की सेवा करते हैं तो दूसरा नहीं है, वो अपना ही है। सेवा का अवसर देकर वो हमको कृतार्थ करता है। हम अपनी संपदा संपत्ति का ठीक सदुपयोग करते हैं, अपनी क्षमताओं का ठीक उपयोग करते हैं। और से सारा देश एक निष्ठ होकर एक भाव और भावना से ऐसी आपदा और विपत्ति के सामने खड़ा हो जाता है। सैकड़ों अवसर आए इस देश में, केदारनाथ की त्रासदी आई तो लोगों ने अपने घर का जो वर्ष भर का सामान था निकाल करके खिला दिया लोगों को। अनेक स्थान पर भूकंप आते लोग दौड़ करके जाते हैं, ट्रक ट्रक सामान पहुंचा देते हैं। लेकिन सारी दुनिया में कहीं भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। भूकंप तो अमेरिका में भी आता है, कनाडा में भी आता है, ऑस्ट्रेलिया में भी आता है, तूफान भी आता है, हजारों लोग लाखों लोग मर जाते हैं, गिर जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए सरकार जाती है और सामान्य व्यक्ति कहता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये सरकार की जिम्मेदारी है। भारत एक भिन्न प्रकार का देश है, ऐसी त्रासदा और विपत्ति के समय सामान्य मनुष्य खड़ा हो जाता है। और इसलिए दिल्ली में जब लोग निकले गड़िया लोहारों के बीच में भोजन और भोजन के किट्स बांटने के लिए, तो गड़िया लोहार के लोगों ने कहा कल आप फिर आइए, कल फिर गए 51,000 रुपया इकट्ठा करके उन्होंने दिया। भीलवाड़ा में भी गड़िया लोहारों ने 51,000 रुपया इकट्ठा करके दिया, उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे दिल्ली के गड़िया लोहारों ने दिया, उन्होंने भी दिया। क्या है भाई, कोई आमदनी भी नहीं, वो छोटा छोटा लोहे का सामान बना करके बिक्री करते हैं, महीनों से बिक्री बंद, लेकिन नहीं, जो जो जमा पूंजी थी उसमें से निकाल कर समाज की सेवा के लिए देना, ये मेरा कर्तव्य, ये जो भावना है मेरे पास जो है उसमें से दे देना, मेरे पास 2 रुपया है तो 1 रुपया देना है, 10 रुपया है तो 5 रुपया देना, 1,000 है तो 500 देना, 1,00,000 है तो 50,000 देना, 1,00,000,000 है तो 50,00,000 दे देना, 100 करोड़ है तो 50 करोड़ दे देना। सामर्थ्य जिसकी जितना है उसमें से दे देता है। कटक में रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी एक दिन बैठे थे बेंच पर, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गोपबंधु दास उनके बगल में बैठे हैं। एक बूढ़ा वनवासी आता है, केवल कमर पर धोती बंधी हुई है और बड़ा जीर्ण शीर्ण सा शरीर है,
और पूछता है बापू कौन है इनमें, तो लोग कहा बापू जी है, तो बापू के पैर छूता है, बापू कहते हैं आओ बैठो बैठो, और जिसके पास 10 करोड़ है वो 10 करोड़ देता है, भावना एक ही है, सामर्थ्य तो बदलता रहता है मनुष्य का। और से इस देश में हजारों नहीं लाखों उदाहरण ऐसे खड़े हो गए, लोगों ने शमशान में जाकर के लाइन लगा कर उनका अंतिम संस्कार किया जिनके, और बच्चे किसी कारण से परिवारिक जन नहीं आ सके, वो तो डर के कारण से नहीं आ सके, या अमेरिका में बैठे नहीं आ सके, लोग किट्स पहन करके उनके शरीर को लेकर के शमशान में खड़े हो गए और शमशान में संस्कार करके आ गए। ब्लड देने की जरूरत पड़े तो हजारों लोग सामने आ गए, हाँ हम ब्लड देंगे ना, ब्लड देने को तैयार हो गए। ऐसे परिवार थे जिनके परिवारों में अब कोई है ही नहीं कमाने वाला, या नौजवान सब बाहर है, घर में एक आधो बूढ़ा बूढ़ी है, वो बाहर जा भी नहीं सकते। तो कॉलोनी कॉलोनी ने ऐसे लाखों लोगों की व्यवस्था देश में बना ली कि उनके घर आप खाना दे करके आएंगे, उनके घर के बाहर लटका दो, वो उठा लेंगे, बाकी कागज फेंक देंगे। हर दिन नियम से दोनों समय उनके घर के दरवाजे पर भोजन का पैकेट लटक जाता है। ये भारत है, सरकार नहीं, सरकार जो करेगी करेगी। अरे हमारे बगल में ये पड़ोसी है भाई, इसके बच्चे कहीं विदेश में है, बूढ़ा बूढ़ी दो लोग हैं, अब जा नहीं सकते कहीं, इनका खाना कोई दूसरा हम देंगे ना। हजारों कॉलोनीज में देश भर में लाखों परिवारों में पड़ोसियों ने पड़ोसियों की व्यवस्था संभाल ली, इसको हम भारत कहते हैं। हजारों स्थानों पर बच्चे जो अनाथ हो गए उनकी व्यवस्था संभालने के लिए लोग आगे आ गए, बच्चे अनाथ हैं, सरकार करेगी तो करेगी, हमारा छात्रावास खुला है, हम अपने छात्रावास में 25 बच्चे रखेंगे। अनेक हिंदू संस्थाओं से आज आवेदन आ गया, भाई हमको 25 बच्चे दे दो, हमको 25, उनकी सारी पढ़ाई हम करेंगे, नौकरी और विवाह तक जिम्मेदारी हमारी है, उनके माता पिता नहीं कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा उनके साथ है, हम साथ है। बंधुओं ये केवल भारत नहीं होता है, वैसे भारत की जो जो, जो विभूति है, भारत की जो आत्मा है, भारत की जो विशेषता है, वो हमारा दर्शन है, हमारी ईश्वरानुभूति है। वो ईश्वरानुभूति जो है हमारे अंदर की करुणा को पैदा करती है, हमारे अंदर की संवेदनाओं को पैदा करती है, हम दो मानते ही नहीं। और इसलिए हजारों लोग दिल्ली में निकल जाते थे, क्या कबूतर को दाना डाल रहे, एक बोरा भर करके बाजरा गाड़ी में रखते हैं, 100 किलो बाजरा, दो लड़के निकलते जा जा कबूतर डाल, सैकड़ों लड़के ब्रेड लेते रोटी लेते कहा बंदरों को देने जा रहे, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये दुनिया के लिए अकल्पनीय है लेकिन भारत के लिए स्वाभाविक है। बंधुओं इस भौतिक आंधी में इसको बचा करके रख करके लाए हम यहां तक। जब दुनिया कल भौतिक 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 देखती है तब भारत अध्यात्म को संजो कर संभाल कर और उसको अच्छे से विकसित करता हुआ आगे लेके चलता है, वो दिखता नहीं, उसके अंतरात्मा में रहता है। ये ध्यान में रखिए, जो भौतिक दुनिया है ये मनुष्य को सामर्थ्यवान बनाती है, ये शिक्षा आज की जो है मनुष्य को शिक्षित करती है, ऊंचा बना देती है, व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है, उस पर पैसा है, उसके पास गाड़ी बड़ी है, उसका बैंक बैलेंस है, वो बड़ी कोठी है, उसकी कोई पोजीशन है, लेकिन ध्यान में रखिए वो अकेला रहता है। और आज की शिक्षा आज की सभ्यता का जो युग है मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है, मनुष्य को ऊंचा बनाता है, लेकिन मनुष्य को अकेला छोड़ देता है, उसके साथ कोई आता नहीं, ये किसी के साथ जाता नहीं, संबंध भी नहीं बनाना चाहता, अपार्टमेंट में अपने घर का दरवाजा दूसरे के घर के दरवाजे के सामने खोलने को मना कर देता है, नहीं हमारी प्राइवेसी है हम नहीं चाहते। आज की जो शिक्षा आज का जो युग आज का जो सिविलाइजेशन का तूफान है ये मनुष्य को संपन्न बना रहा है, मनुष्य को शक्तिशाली बना रहा है, सामर्थ्यवान बना रहा है, ऊंचा बनाता है, लेकिन अकेला छोड़ देता है। मनुष्य मनुष्य के साथ रह नहीं सकता, मनुष्य मनुष्य से टकरा के दूर चला जाता है, उसका ईगो इतना बढ़ जाता है वो बगल वाले से बात भी करना नहीं चाहता।
बगल वाले की आवश्यकता में खड़ा होना नहीं चाहता। ये बड़ा भारी संकट दुनिया के सामने आज खड़ा है। एक बर्ट्रेंड रसेल करके बड़े भारी विद्वान हो गए, वे लिखते हैं आज के सिविलाइजेशन ने, वर्तमान की सभ्यता ने मनुष्य को बहुसंपन्न बनाया है, शक्तिशाली बनाया है, सामर्थ्यवान बनाया है, अकेला छोड़ दिया है टकराने के लिए। और मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है जैसे बिलियर्ड की दो गेंद आती हैं, टकरा के फिर दूर चली जाती है, पास रहती ही नहीं। ये उदाहरण दिया बर्ट्रेंड रसेल ने। रसेल लिखता है आज मनुष्य बिलियर्ड की गेंद की तरह आता है, टकरा के दूर चला जाता है, टकरा करके दूर जाने के लिए ही निकट आता है। यह आश्चर्य है। आइंस्टीन कहता है कि जो वर्तमान का जो विज्ञान है ये प्लूटोनियम का शोधन कर सकता है, मनुष्य के हृदय का शोधन नहीं कर सकता, मनुष्य की हृदय की गहराइयों को नहीं बढ़ा सकता, मनुष्य के अंदर संवेदना नहीं जगा सकता, मनुष्य के अंदर करुणा है, मनुष्य के अंदर सहकार है, मनुष्य के अंदर श्रद्धा है, मनुष्य के अंदर निष्ठाएं हैं, ये नहीं जगा सकता। वर्तमान का विज्ञान, वर्तमान के बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े व्यापारी आज परेशान है इससे। उस राह पर चल पड़े जिस राह पर टकराहट ही टकराहट है। और ऐसे समय भारत एक संदेश लेकर के फिर खड़ा हो गया। कोरोना के काल में लड़ाई हर देश में आई थी, हमने लड़ाई लड़ी अपनी संवेदनाओं के आधार पर, हमने लड़ाई लड़ी अपनी भावनाओं के आधार पर, हमने संघर्ष जीता तो समाज की समवेत शक्ति के आधार पर, और उसके पीछे था हमारा ईश्वरीय भाव, हमारा आध्यात्मिक चिंतन, हजारों हजारों वर्षों का आध्यात्मिक दर्शन जो ऋषियों ने हमको दिया है। बंधुओं, यही इस कोरोना की सारी लड़ाई का मर्म है, यही इसकी आत्मा है। दुनिया के सामने हमारा यही एक उदाहरण है। ऐसे उदाहरण टर्की में क्यों नहीं खड़े हुए, ऐसे उदाहरण अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में खड़े क्यों नहीं हुए? गरीब लोगों के लिए लाइन लगा करके समाज के लोग ब्रेड मक्खन बांटने के लिए क्यों नहीं आए? क्यों? वहां अध्यात्म नहीं था, ईश्वर सर्वभूतानाम ये कल्पना भी नहीं थी जो हमारी है। और इसलिए ये हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, आने वाले समय में हम इस आध्यात्मिक भाव को दुनिया के दूर हर कोने तक पहुंचा सकें। और इसलिए दोनों पुस्तकों के पीछे का संदेश यही है। एक पुस्तक कहती है संवेदनशीलता हमारी अंतरात्मा के अंदर है, हम उस भाव से लड़ाई लड़ते हैं, और दूसरी पुस्तक कहती है वयम राष्ट्रांग भूताः, अर्थात हम इस राष्ट्र के अंग भूत हैं, उन भावनाओं के साथ इस राष्ट्र को लेकर के हम खड़े हो जाते हैं। दोनों ग्रंथों का महत्वपूर्ण भाग है, इन दोनों ग्रंथों का एक महत्व है, और इसलिए दोनों पुस्तकें आपके सामने हैं। आप पढ़िए, अध्ययन करिए, लेकिन इसकी भावनाओं में जाइए। उदाहरण तो बहुत सारे मिलेंगे, हर उदाहरण के पीछे एक भाव है, उस भाव को पकड़िए, तब ध्यान में आएगा वयम राष्ट्रांग भूता कहते कहते हम उस राष्ट्र के अंग भूत है जो राष्ट्र अध्यात्म का संदेश देता है। संवेदनशीलता की जब बात देखते हैं दूसरे ग्रंथ में, हम उस भाव में चले जाते हैं धीरे धीरे धीरे। 100 उदाहरण है, 100 उदाहरण के बाद अंत में एक ही चाबी सबकी दिखाई देगी कि हम संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि हम आध्यात्मिक है। इस भाव को हमने पकड़ा तो वास्तव में इन दोनों ग्रंथों का मर्म हम समझ सकेंगे। मैं समझता हूं इतना पर्याप्त है। नमस्कार। धन्यवाद माननीय, आपने सेवा परमो धर्म का हमें संदेश दिया। अभी फिल्म प्रसारण 100 दिन सेवा के, इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अतुल गंगवार जी को, और अपने मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि सामने स्थान ग्रहण कर लेंगे जिससे फिल्म अच्छे से वो देख पाएंगे। आदरणीय अतुल गंगवार जी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लगभग 27 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपने दूरदर्शन, GTV, ETV आदि संस्थानों के लिए अनेक कार्यक्रमों का निर्माण, निर्देशन एवं लेखन कार्य किया है।
11 वर्षों तक सहारा समय बिहार झारखंड में आप निर्माता के पद पर कार्य किया है। वर्तमान में 2 न्यूज़ पोर्टल का संचालन कर रहे हैं। स्वतंत्र लेखक एवं भारतीय चित्र साधना के आप सचिव हैं। अब इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमें देंगे। सभी उपस्थित बंधुओं को नमस्कार। मंचासीन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मुकेश गर्ग जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा माननीय कृष्ण गोपाल जी, राष्ट्रीय सेवा भारती के अध्यक्ष माननीय पन्नालाल जी और भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष श्री बीके कोठियाला जी और सभी उपस्थित जो हमारे यहाँ आज महानुभाव हैं, उन सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ भारतीय चित्र साधना की ओर से। कोरोना के बारे में हमसे पहले जो पुस्तक का विमोचन हुआ तब भी बताया गया, ये एक ऐसी आपदा थी जिसका विश्व ने पहली बार सामना किया और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संपूर्ण लॉकडाउन के आह्वान पर संपूर्ण देश ने इस आपदा का कड़े अनुशासन के साथ सामना किया और कोरोना की पहली लड़ाई जो थी हमने जीती। ऐसे कठिन समय में जब इस अनजाने कोरोना वायरस से देश के डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग, सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन के लोग लड़ रहे थे, उस समय समाज के ऐसे कई संगठन और उनसे जुड़े हुए लोग भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे थे। भारतीय चित्र साधना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय सेवा भारती एवं उसके अनेक सहयोगी संगठनों के स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में किए गए कार्यों को एक जगह एकत्र कर 7 छोटी एवं एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है। इन फिल्मों का निर्माण यश पाने के लिए नहीं किया गया है, इसलिए इसमें दिखाए गए अनेक दृश्य हमारे अपने स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अपने सीमित संसाधनों द्वारा फिल्मांकित किए गए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, छोटे कैमरा से किए गए हैं। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के इस महामारी से लड़ने के अथक प्रयास इन फिल्मों में अवश्य दिखाई देते हैं। मैं फिल्मों का परिचय और उनके जिन जो लोग उनके निर्माण के साथ जुड़े हैं उनका नाम उल्लेख करना चाहूँगा। वो हमारे साथ यहाँ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं हमारे बीच में। पहला लघु वृत्त चित्र कोरोना प्रबंधन प्रशासन का सहयोग, इसका लेखन एवं निर्देशन दीक्षा कोहली जी ने किया है। दीक्षा कोहली जी विगत 10.5 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और उत्तर भारत की राजनीतिक और सामाजिक चेतना पर उनकी विशेष दक्षता है। आप पिछले 4 वर्षों से लोकसभा टीवी में एंकर और कार्यक्रम निर्माता के रूप में कार्यरत हैं। कोरोना काल, अल्पसंख्यक समाज और सेवा, इस चित्र का लेखन एवं निर्देशन पवन शर्मा जी ने किया है। आपको भी इस क्षेत्र का 2 दशकों का अनुभव है, पिछले 3 वर्षों से लोकसभा टीवी में कार्यरत हैं, संसदीय कार्यवाही को देश दुनिया को दिखाने और सांसदों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के निर्माण की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। तीसरा वृत्तचित्र है पूर्वोत्तर भारत कोरोना काल में सेवा, इसका लेखन निर्देशन ब्रजेश द्विवेदी जी ने किया है। आप भी 1.5 दशक से मीडिया एवं लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं, आपकी बनाई कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में काफ़ी चर्चित हुई हैं। इसके साथ साथ ब्रजेश द्विवेदी जी एक सुप्रसिद्ध कवि भी हैं, आपको अटल बिहारी वाजपेयी काव्य सम्मान और काव्य गौरव सम्मान भी मिला है। कोरोना संकट जनजातीय समाज में सेवा, इसका लेखन निर्देशन वीरेंद्र कुमार जी ने किया है। आप पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय मीडिया में कार्यरत हैं, कई बड़े मीडिया संस्थानों में सेवाएं देने के पश्चात आप भी लोकसभा टीवी में कार्यरत हैं, संसद से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण आपके जिम्मे है। कोरोना समाज के उपेक्षित वर्गों की सेवा, इसका लेखन एवं निर्देशक मनीष वाजपेयी जी ने किया है। मनीष जी DD न्यूज़ में कार्यरत हैं, पत्रकारिता से लगभग 20 वर्षों का अनुभव है और आप साप्ताहिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माता, निर्देशक एवं प्रस्तुत करते हैं। कोरोना संकट एवं स्वाभिमानी घुमंतू समाज, इसका लेखन निर्देशन रामवीर श्रेष्ठ जी ने किया है। आप लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, हिंदुस्तान समाचार, जनमत, लाइव इंडिया इत्यादि चैनलों से होते हुए, DD किसान होते हुए अभी लोकसभा टीवी में बतौर एंकर कार्यरत हैं। ग्रीन जर्नलिज्म व कृषि नीतियों में विशेष रुचि है और एक पुस्तक का लेखन कार्य भी कर रहे हैं ग्राम निर्भर भारत के नाम से। हमारा एक वृत्त चित्र है कोरोना संकट प्रवासी श्रमिकों को राहत,
गीतांजलि राघव जी ने उनका उसका निर्देशन लेखन किया है, वो आज स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण हमारे बीच में नहीं है। आप लोग सभा टीवी में एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। आज जिस वृत्तचित्र का प्रदर्शन आपके सम्मुख होने वाला है 100 दिन सेवा के, इसकी परिकल्पना, इसकी आधारशिला सुप्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका एवं उपन्यासकार सुश्री अद्विता काला जी ने करी थी, और इसी जो उन्होंने आधार तैयार किया था उस पर इसका निर्माण किया गया है। इसका लेखन का कार्य अतुल गंगवार ने किया है, स्वर राज चावला जी का है जो लगभग 24 वर्षों से मीडिया से जुड़े हैं, स्वयं भी एक अच्छे लेखक एवं निर्देशक हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय में सीनियर एडिटर मीडिया कंसल्टेंट रहे हैं। इस फिल्म में पार्श्व संगीत है युवा संगीतकार एडी सिंह का, जो कई सफल म्यूजिक एल्बम, वेब सीरीज और एवं भोजपुरी फिल्मों में अपने संगीत से सजा चुके हैं। फिल्म के ग्राफिक्स निर्माण में सहारा समय NDTV जैसे चैनलों में आर्ट डायरेक्टर रह चुके कन्हैया कृष्ण जी का सहयोग हमें मिला है। इस फिल्म का निर्देशन रश्मि जैन जी ने किया है। आप लगभग 20 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं और वर्तमान में प्रख्यात पंजाबी चैनल PTC में बतौर कार्यकारी निर्माता कार्य करती हैं। इन सभी फिल्मों का एडिटिंग का काम जो है सुनील कुमार, अमित शर्मा एवं राहुल कुमार जी ने किया है। फिल्म के निर्माण में हमें ANI और दूरदर्शन का सहयोग भी मिला है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये फिल्म हिंदी में अभी आपको दिखाई जाएगी और 7 बजे इसका कई जो इसका सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर प्रीमियर होगा, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मराठी और तेलुगु भाषा में भी अनुवाद करके प्रसारित की जाएगी। मैं रश्मि जी से अनुरोध करूंगा लैपटॉप लाएं, मान्य कृष्ण गोपाल जी इस फिल्म को लोकार्पित करें। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से अपने स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक करके इस महामारी से निपटने के लिए प्रयास किया है और आज भी कार्यरत हैं, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे योग शालाएँ हों या काउंसलिंग सेंटर्स हो, आज भी अपने कार्यकर्ता दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि समाज को इस महामारी से उबारा जाए। हमारा ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री ब्रज किशोर कुठियाला जी को, भारतीय चित्र साधना के आप अध्यक्ष हैं। ब्रज किशोर कुठियाला जी, माननीय कृष्ण गोपाल जी, सरकार का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान मुकेश गर्ग जी, राष्ट्रीय सेवा भारती के माननीय अध्यक्ष श्री पन्नालाल जी, माननीय रामलाल जी, इस सभागार में उपस्थित आज इस कार्यक्रम की शोभा और गरिमा बढ़ाने के लिए उपस्थित बंधुवर एवं मातृशक्ति, पिछले 1.5 वर्ष में मानवता ने अभूतपूर्व संकट सहा है, जो अभी भी कुछ मात्रा में चल रहा है। प्रत्येक समाज ने उसको अपने अपने रूप से संभालने का प्रयास किया, परंतु भारत ने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करके, जैसा कि कहा गया कि सेवा दूसरे के लिए नहीं अपने आनंद के लिए, और वो उदाहरण प्रस्तुत करके हमने अपने संकट को अपने तरीके से संभाला और उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत किए। इन उदाहरणों को, इन अनुभवों को आज 2 पुस्तकों के माध्यम से, एक वयम राष्ट्रांग भूता और
एक संवेदनशील भारत की सेवा गाथा, और कुछ चलचित्रों के माध्यम से जिसका एक का प्रदर्शन आज हमने इस सभागार में देखा। इन समाज के कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन करना और फिर उसको वर्तमान और भविष्य के लिए संदर्भ के रूप में रखना, जो कि आज और कल के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। इस कार्य के लिए वयम राष्ट्रांग भूता के प्रकाशन के लिए श्रीमान रविंद्र जी, संवेदनशील भारत की सेवा गाथा की रचना के लिए श्रीमान प्रशांत पोल जी, और चलचित्र 100 दिन सेवा के लिए अतुल जी गंगवार और उनकी पूरी टोली हम सब के धन्यवाद के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र हैं। मुझे लगता है कि हम सबको सेवा भारती के इन सब कार्यों के लिए और इन कार्यों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो प्रयास हुआ उसके लिए करतल ध्वनि से अपना धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में मुकेश जी ने अध्यक्षता स्वीकार की, आपका योगदान इन कार्यों में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, सराहनीय रहा है। मुकेश जी का हम सब की ओर से आभार, धन्यवाद, और इस विश्वास के साथ कि आप इन कार्यों के साथ समाज के पुनरुत्थान के कार्यों में आपका और भी योगदान होगा, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आज का सुंदर उद्बोधन जिसमें सेवा कार्य का अध्यात्म क्या है उसकी सीख हम सबको एक बार जो मिली, उसके लिए माननीय कृष्ण गोपाल जी का आभार। इस कार्यक्रम में, आयोजन में और इस सारे कार्य के लिए, निर्देशन के लिए माननीय पन्नालाल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। भारतीय चित्र साधना एवं राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से आप सब महानुभाव जो इस सभागार में अपना समय लेकर आए और आपने इस कार्यक्रम में सहभागिता की, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद। कल्याण मंत्र के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सरिता जी को। पहले मैं आधी पंक्ति बोलूंगी, उसके बाद आप सामूहिक बोलिएगा। कल्याण मंत्री की स्थिति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।